सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबद्ध सांस्कृतिक दलों ने जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इन कार्यक्रमों के दौरान सांस्कृतिक दलों के लोक कलाकारों ने लोगों को लोक संगीत और नाटकों के माध्यम से सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा नशे का विरोध करने का संदेश दिया। हमीरपुर के निकटवर्ती गांव जोलसप्पड़ और साशन में साहिल म्यूजिकल ग्रुप के लोक कलाकारों ने जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों में जोलसप्पड़ की प्रधान मीना कुमारी, संतोष कुमार, धनीराम, सिमरो देवी, पूनम लता, सासन पंचायत की प्रधान अंजना कुमारी, उपप्रधान अरुण कुमार, भागीरथ विकास ठाकुर, अनीता कुमारी, सुनीता देवी, कमलेश कुमार और अन्य लोग उपस्थित थे। इसी तरह त्रिवेणी कला मंच के कलाकारों ने गांव डुहक और बगरहेड़ा के निवासियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया। डुहक के प्रधान राजेश वर्मा, उपप्रधान युद्धवीर सिंह, बाढ़ सदस्य कृष्णा कुमारी, आशा कुमारी, बगेरड़ा के प्रधान ओम प्रकाश, पंचायत सदस्य तृप्ता देवी, ईश्वरी देवी, पूनम, ममता और अन्य लोग इन कार्यक्रमों में मौजूद रहे। आज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से आए हुए त्रिवेणी कला संगम के कलाकारों ने ग्राम पंचायत डुहक में और बगेरड़ा में एक कार्यक्रम किया है, जिसमें इन कलाकारों ने SC ST और OBC और इसी के साथ साथ जो भी योजनाएं सरकार ने लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए चलाई हैं, उनके बारे में लोगों को गीत संगीत और नाटक के माध्यम से जागरूक किया है। कलाकारों ने कोशिश की है कि हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से लोगों को योजनाओं के बारे में बता पाए, ताकि हर आदमी इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपना जीवन सफल बना सके, उन्नत बना सके। आज के इस कार्यक्रम में कलाकारों ने अनुवर्ती कार्यक्रम जो कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चलाया है, इसी के साथ साथ अंतरजातीय विवाह योजना, इसी के साथ साथ गृह अनुदान योजना और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित योजना है उसके बारे में, और इसी तरीके से और भी कई योजनाएं हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाई हैं, उनकी जानकारी हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दी है। साथ ही हम लोगों ने हिमकेयर योजना, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और जनमंच कार्यक्रम और इसी के साथ साथ सहारा योजना और भी कई योजनाएं हैं जिनकी जानकारी हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दी है। धन्यवाद।